नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी में। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अपने एक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप पेटीएम के जरिए कोई भी ट्रेन की टिकट ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगर बुक करना मैंने बताया है ट्रेन को, तो मैं ये भी बताऊंगा कि आप उसे कैंसिल भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको इमरजेंसी में अपनी जो है ट्रेन टिकट्स ऑनलाइन कैंसिल करनी पड़ जाती हैं। लेकिन अगर आप उन ट्रेन टिकट को कैंसिल नहीं करेंगे तो जो आपने पैसा यानी जो आपने पेमेंट की है वो आपका पैसा वापस नहीं मिलता है। कैंसिलेशन के केस में ये है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने दिन पहले कैंसिल करते हैं और क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन आपको रिफंड तो वापस मिल ही जाता है। फिर वो रिफंड चाहे पूरा हो या फिर 50% हो, 70% हो, ये तो डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन पहले जो है ट्रेन टिकट कैंसिल करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बेसिक प्रोसेस बता देता हूं आज की इस वीडियो में कि पेटीएम के द्वारा बुक की हुई कोई भी ट्रेन टिकट को आप पेटीएम के जरिए ही ऑनलाइन कैसे कैंसिल कर सकते हैं और आपको उसका रिफंड कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको इसकी वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक, ताकि इसका कोई भी स्टेप आपसे रह ना जाए। दोस्तों, पेटीएम सीरीज के ऊपर मैंने काफी वीडियो अपलोड कर दी है, इसके बाद भी काफी वीडियोज आने वाली है। वन बाय वन करके सारे फीचर्स मैं आपको पेटीएम के जो है समझाता जा रहा हूं। तो आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी आपसे जो है इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए, क्योंकि ये दिखने में तो बड़ी छोटी छोटी सी वीडियोज है और बड़ी छोटी सी प्रोसेस है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही अगर आपको ना आती हो तो कई बार बहुत परेशान कर देती है और आपको इधर उधर भागना पड़ता है। लेकिन अगर आपको इन चीजों की नॉलेज है तो आप डे टू डेली लाइफ के जो काम है बड़ी आसानी से कर सकते हैं, वो भी आपको अलग से कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। सिर्फ पेटीएम में जितने फीचर आपको अवेलेबल हैं, कम से कम वो फीचर्स तो आपको आने ही चाहिए। दोस्तों, वीडियो जरा सी भी अगर आपको काम की लगे तो इसको लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, क्योंकि काम की और अच्छी चीज जितनी स्प्रेड की जाए उतनी बेटर होती है, क्योंकि आपके साथ साथ किसी आपके फैमिली मेंबर, रिलेटिव या किसी फ्रेंड को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितनी भी वीडियोस बना लूँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन से क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ उस बटन के जस्ट साइड में आपको एक बेल आइकन दिखाएगा, आप उस बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपके सामने तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी काम की वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो चलिए ओपन कर लेते हैं पेटीएम ऐप को। देखिए कुछ इस तरह का होम पेज आपके सामने आएगा, तो आपको स्लाइड करके ये देखिए यहाँ पे एक पासबुक का ऑप्शन आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए व्यू योर पेमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ऊपर जो एक आपको बार दिखाई दे रहा है आपको इसको स्लाइड करना है। ये देखिए टिकट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी टिकट्स बुकड हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इसमें से आपको जो आपकी ट्रेन की टिकट बुकड है उस पर ढूंढ के क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक कैंसिल का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पैसेंजर का नाम सेव होगा और नीचे आपको करना है प्रोसीड विद कैंसिलेशन, आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। आपको अगेन कैंसिलेशन पे क्लिक कर देना है और ये देखिए यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब आपका जो है टिकट अब कैंसिल हो चुकी है। साथ ही साथ आपको जितना भी रिफंड मिलना है वो रिफंड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब बुकिंग समरी पे यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ भी आपको देखिए बुकिंग कैंसल्ड का एक टैग दिखाई देगा, इसका मतलब जो आपकी टिकट अब कैंसिल हो चुकी है। दोस्तों, आपको ट्रेन की टिकट पे कितना रिफंड मिलेगा ये वेरी करता है कि आपने कितने दिन पहले टिकट बुक करवाई है, ठीक है, और ये देखिए वापिस आप पीछे आएंगे तो यहाँ पर भी ये देखिए पेटीएम वॉलेट की पासबुक में देखेंगे तो आपको जो रिफंड तुरंत आपके जो है पेटीएम वॉलेट में मिल जाएगा। तो ये दोस्तों ये थी वो छोटी सी प्रोसेस जिससे आप अपनी पेटीएम से ट्रेन टिकट कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन मेरी मेहनत को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे या वीडियो को डिसलाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो वीडियो बनाई है वो आपके काम आई या नहीं आई। और साथ ही साथ दोस्तों, जाने से पहले
इस वीडियो के नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी इतनी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक वो आप लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो क्या फायदा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर इस वीडियो से रिलेटेड या और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, हम जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।